कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करके सिख एक्टिविस्ट जो हैं, खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनको आम सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ही हमारी नॉर्दर्न रेंज जो सिख टेररिज्म है उस पर काम करती है, और इनके खालिस्तानी एक्टिविस्ट जो हैं, इनके मूवमेंट और इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट करने वाले, इनके ऊपर काम करती रहती है। इसी दौरान लगभग 3 महीने पहले एक सोशल मीडिया साइट्स पर हमें कुछ इनकी मूवमेंट और एक्टिविटी मिली थी, जिसको एक्सप्लोर किया गया तो मालूम चला कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को यूज करके सिख एक्टिविस्ट जो हैं, खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं, उनको आर्म सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके ऊपर जो हम अपनी रिसर्च हमने की और जो R&D करने के बाद हमने नंबर्स निकाले जिनके थ्रू ये सप्लाई हो रहे हैं, तो वो लोग निकले खरगोन मध्य प्रदेश के, जो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और ऑलमोस्ट वैसे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन जिस पोर्शन में ज़्यादा वेपन सप्लाई कर रहे हैं। तो इनकी एक्टिविटी को पिछले 3 महीनों से हम वॉच कर रहे थे। कल एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर, चूँकि ये दिल्ली और हरियाणा पंजाब में वेपन सप्लाई करने जा रहे थे, इनको कल रात में रोहिणी के इलाके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 18 पिस्टल्स और 60 राउंड कार्टेज मिले हैं। जो इनकी इंटरोगेशन से मालूम चला है कि जो दो व्यक्ति हैं उसमें एक राजेंद्र है और एक राजेंद्र बरनाला और दूसरा है बबलू सिंह। इसमें राजेंद्र का भाई है नरेंद्र, जो खरगोन में है। बेसिकली ये दोनों भाई हैं जो वेपन बनाते हैं खरगोन में, और फिर इनको दिल्ली, नॉर्थ इंडिया में, ऑलमोस्ट नॉर्थ हर स्टेट्स में सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं उनको। और ये काफ़ी लंबे समय से उनसे टच में है, 2-2.5 सालों से पंजाब में स्पेशली इन्होंने वेपन सप्लाई किए हैं, और कई बड़े क्रिमिनल गैंग जो हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिल्ली के कई गैंग, इनको ये वेपन सप्लाई करते रहे हैं। तो इनके भाई और जो और लोग सप्लायर हैं जिनको इन्होंने दे रखा है, जो रिसीवर्स हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस रेड कर रही है और उनको अरेस्ट करने की कोशिश करेगी। इनका ऑन एन एवरेज जो महीने के हैं कि महीने में 100-125 के आसपास वेपन ये सप्लाई करते हैं डिफरेंट स्टेट्स में।